जय हिंद साथियों। साथियों, आज लेकर हम हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त, आज का क्वेश्चन है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का वर्णन करें और बचपन पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें, यानी कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो बच्चों पर किस तरह पड़ता है, इसका आंसर हम लोग आज करेंगे। तो साथियों, आज इसका आंसर करने के लिए हम लोग रेडी हैं, तो चलिए इधर फोकस करिएगा, इसलिए हम इसको जूम करते हैं ताकि आप इसको क्लियर देख पाए। तो साथियों, इसका आंसर होगा वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो कुछ इस तरीके से है। जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। हाँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, तो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटना के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया, यानी कि जो हम लोग जिस कस्बे में रहते हैं, जिस छोटे जगहों पर रहते हैं, उन छोटे जगहों या पे जो घटना घटित होती है, उस घटना को विश्व स्तर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण का नाम से ही पता चल रहा है कि विश्व। तो कुल मिलाकर ये वैश्वीकरण का अर्थ हुआ कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु का वह घटना जो विश्व स्तर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर रूपांतरित होती है, इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि विश्व वर्ल्ड लेवल पे जो घटना घटित होती है तो इसको उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ताकि वर्ल्ड लेवल पे इसे जगह दिया जाए, जैसे कोई भी छोटे जगहों पे जो कोई भी घटना घटित होती है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, यानी कि विश्व के सभी लोग, जिस तरीके से छोटे छोटे फैमिली से एक गांव बनता है, एक कस्बा बनता है, ठीक उसी तरीके से विश्व के लोग मिलकर एक अच्छे समाज की रचना करते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो सभी एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आगे लिखा है, वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि वैश्वीकरण का जो उपयोग है वो अक्सर किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि मनी के क्षेत्र में संदर्भ में किया जाता है। वैश्वीकरण के कई पहलू हैं। अब वैश्वीकरण के लिए भी कई पहलू हैं, कई स्टेजेज हैं बोल सकते हैं, जो दुनिया के कई भिन्न प्रकार को प्रभावित करते हैं, यानी कि वैश्वीकरण का जो मुद्दा है, पहलू है, उनके कई स्टेजेज होते हैं जो दुनिया के कई भिन्न प्रकार से, यानी कि दुनिया को अलग अलग प्रकार से उन्हें प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के अंडर में ले लेती है ताकि इससे भी विश्व का विकास हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी लोग आते हैं। और दूसरा है वित्तीय बाजार की उत्पत्ति, यानी कि जो शेयर मार्केटिंग होती है तो उसके बारे में बोला जा रहा है। कोई भी मार्केटिंग में कोई भी चीज़ें शेयर की जाती है तो उसमें वित्तीय बाजार की उत्पत्ति में भी इसकी वित्तीय बाजार की उत्पत्ति में भी ये प्रभावित करता है। और तीसरा है राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिक्स। तो आप जानते ही हैं कि बिहार की राजनीति हो चाहे हमारे पूरे भारत की राजनीति हो, कहीं ना कहीं विश्व के लोग भी इसे समझते हैं, जानते हैं, तो ये वैश्विक मुद्दा बन जाता है। फिर आगे लिखा है, आम तौर पर माना जाता है कि मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचार व्यापक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। यानी कि आम तौर पर ये माना जाता है कि मुक्त व्यापार यानी कि फ्री बिजनेस, पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचार व्यापक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो बिल्कुल खुलेआम बिजनेस कर रहा है, मतलब किसी के अंदर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद और वैश्वीकरण को ज़रूर बढ़ावा देगा, क्योंकि वो किसी के अंडर में नहीं है, किसी के प्रेशर उसको नहीं सहना पड़ रहा है, तो कहीं भी फ्री माइंड से वो बिजनेस कई कई कंट्री तक, दूसरे दूसरे कंट्री तक वो कर सकता है, तो उसको हम लोग फ्री बिजनेस के नाम से जानते हैं। मुक्त व्यापार के समर्थकों का दावा है
कि यह आर्थिक समृद्धि और अवसरों के विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों में बढ़ाता है। यानी कि मुक्त व्यापार जो करते हैं तो उनके समर्थकों का दावा है, जो मुक्त व्यापार को सही मानते हैं, तो उनका कहना है कि आर्थिक समृद्धि और अवसरों को विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों को बढ़ाता है। यानी कि जो लोग फ्री बिजनेस मुक्त व्यापार को सही मानते हैं उनका यह दावा है कि आर्थिक रूप से समृद्धि और अवसरों को विशेष रूप से विकासशील राष्ट्र यानी कि जो विकसित कर रहा है या विकसित करने की राह में जो देश अभी अग्रसर है विकासशील राष्ट्रों में बढ़ाता है। फिर आगे लिखा है तनाव में वयस्कों की जिंदगी को तो प्रभावित किया ही है। यानी कि जो टेंशन है तनाव है वो एक युवा वर्ग के लोगों को वयस्कों को जिंदगी को तो प्रभावित किया ही है, अब तो मासूम बच्चे को भी अछूत नहीं है। मतलब क्या कि तनाव जो है टेंशन, तो टेंशन से तो युवा लोग बुजुर्ग लोग प्रभावित होते ही हैं, लेकिन इससे अब जो है मासूम बच्चे भी अछूते नहीं रहे। मतलब कि अब टेंशन वाली जो चीज़ें होती है वो अब बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। भाई चलिए देखते हैं कैसा नहीं छोड़ रही है। यही लिखा है अछूते नहीं रहे, मतलब कि अब टेंशन जो है ना एक मासूम बच्चों को भी आ जा रहा। आधुनिक जीवन शैली ने तनाव को हर जगह पहुंचा दिया है। यानी मॉडर्न युग जिसको बोल सकते हैं, आज की जो ज़िंदगी है ये आज की ज़िंदगी आधुनिक जीवन शैली जिसको बोल सकते हैं वो तनाव को हर जगह पहुँचा दिया है। वैश्वीकरण उदारीकरण के असर ने बच्चों को दिनचर्या और जीवनशैली को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यानी कि आधुनिक जो जीवनशैली है उसको तनाव आधुनिक जीवनशैली ने यानी कि जो आज का युग है आज के युग में जो लोग जी रहे हैं तो इस जीवन में तनाव को हर जगह पहुंचा दिया है। मतलब कि टेंशन हर जगह आ गई है, जिसमें लिखा है वैश्वीकरण उदारीकरण के असर ने बच्चों को दिनचर्या को प्रभावित किया है और उसकी बुरी तरीके से प्रभावित किया। मतलब क्या कि आज का जो मॉडर्न युग है इस मॉडर्न युग में जो टेंशन है वो हर जगह पहुंच गया है और इस केस में वैश्वीकरण उदारीकरण के असर को बच्चों के दिनचर्या को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कैसे किया है तो आगे लिखा है विशेषज्ञों के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण जीवन शैली में बदलाव है। यानी कि विशेषज्ञों का माने तो इसका मुख्य कारण जो है वो जीवन शैली में बदलाव है। यानी कि लोगों के जीवन शैली में चेंज आते रह रहे हैं। बच्चों ने खान पान में फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। देखिए अब किस तरीके से एक टेंशन दे दिया है मासूम बच्चों को, तो इस तरीके से दे दिया है ताकि जो बच्चों में खान पान है उसमें फास्ट फूड और जंक फूड को अधिक से अधिक शामिल किया जा रहा है। विभिन्न शोधों में यानी कि बहुत सारा शोध किया गया, उन शोधों में यह सामने बात आई है, क्या बात आई है सामने उसको जरा हम इसको जूम करते हैं जस्ट वन मिनट। हाँ चलिए ठीक। तो विभिन्न शोधों में यह सामने आ चुका है कि इस तरह का खान पान का न सिर्फ शरीर का विकार पैदा करता है बल्कि मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। तो देखिए वैश्वीकरण भी एक मासूम बचपन या बच्चों को बोल सकते हैं उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। कैसे भाई, क्योंकि उनको यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी एक टेंशन दे दिया है बच्चों को भी। कैसे कैसे कि उनके जीवन शैली में चेंज आ रही है, उनके खान पान में चेंज आ रही है। तो इस तरीके से खान पान से सिर्फ शारीरिक विकार यानी कि जो हम लोगों का जो फास्ट फूड है जंक फूड है यानी कि अब वो बहुत सारे फूड बोल सकते हैं कि पैक्ड आती है सिर्फ उसको फाड़िए और खाइए, तो इस तरीके से इस खान पान को शोधों ने बताया है कि शारीरिक विकार पैदा करता है बल्कि यानी कि शारीरिक विकार तो होता ही है और इससे और क्या ज़्यादा नुकसान होगा तो मानसिक स्थिति यानी कि मन में जो सोचने की क्षमता है समझने की क्षमता है तो ये भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये था
हम लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो दोस्त फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।